काउंसलिंग वगैरह, गर्लफ्रेंड, मतलब ऐसे तो टाइम पास बहुत रहे हैं। मेरा पहला प्यार भी मिल गया। रजत नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं होती, रजत का सपोर्ट नहीं होता तो आज आप लोग मुझे नहीं जानते। तो ये रीजन है हमारा 14 फरवरी का एनिवर्सरी। मेरी मम्मी ने पता क्या करा, पुनः इस लड़के को वीडियो बनाने के बहाने घर बुला ले। 5 मिनट में इसके पापा आ गए पीछे। Welcome back to our YouTube channel. I hope you all are hot and sexy. So guys, आज का व्लॉग है, जैसे कि आप लोग बहुत टाइम से कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे अपनी लव स्टोरी के बारे में व्लॉग डालो। बिना किसी बात के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई हमारी लव स्टोरी की मेरे वजह से, क्योंकि मेरे को ये सोशल मीडिया पे देखी, मुझे क्यूट लगी। मेरे दोस्त ने मतलब मुझे प्रोफाइल शेयर करी थी जॉर्डन ने, यार ये लड़की अच्छी है, इससे बात कर रहे थे, ये शरीफ सी भी लग रही है, मतलब जो उसने बेसिकली बोला था। तो मैंने इसे मैसेज करा कि हाय मिलते हैं वगैरह के, कह रहे ठीक है। नहीं नहीं निकलना शुरू हुई थी अपने दोस्तों के साथ ना घर से, बिल्कुल जैसे बिल्कुल नए नए थोड़े दिन हुए थे, तो ये निकली। तो इससे मेरी बात हुई कि मिलते हैं कह ठीक है। बट इसने ना सर्टेन कुछ दिक्कत की वजह से, मतलब इसने एंड मोमेंट में बीटी कर दी कि आई नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे इससे नाराजगी थी, मैंने इसे अनफॉलो मार दिया। 29 जैन दोपहर के 2:04 पे जिन लोगों की वजह से इसने बीटी करी थी उन लोगों का टाइम नहीं याद है आपको? मुझे तो बेटा सब याद है। तो लड़कों का प्यार है भाई, लड़के कुछ नहीं बोलते। मैं तो डुल गई भाई प्यार में, बट डुल गई डोली। सो दोपहर के 2:04 में मेरे पास कॉल आता है जिन लोगों की वजह से इसने आने से मतलब बीटी करी, उन्हीं का फोन आता है, भाई वीडियो बना रहे हो? मैं कहा हाँ कहाँ बना रहे हो? मैं कहा हमारे यूट्यूब, हम लोग वीडियो बनाने आ जाए? मैं कहा नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ग्रुप था 5 लोगों का, तो मैं क्यों मतलब फालतू सबको बुलाऊँ। मैंने कहा अच्छा कौन कौन हो? कह रहा अपना दोनों का नाम लिया और कहते हो स्वाति है। मैं कहा स्वाति मूंगा? कह रहा हाँ। मैंने कहा आ जा। तो ये आ गए। अब मेरे को लग रहा भाई बेशरम की तरह आई है, सॉरी वोरी कुछ तो बोलेगी। मैडम जी ने कोई सॉरी वोरी कुछ नहीं, 2 मिनट बाद ही मुझे हाय हेलो बोल के कहती है रजत मेरी वीडियो में आई हो। मतलब उन लोगों को साइड रोल में ले रही है, मुझे मेन रोल में लेके वीडियो शूट करने लगी। अब मैं हंसू यार, पर कहीं ना मुझे मतलब उन्होंने बोला था कि यार तू इसके साथ वीडियो बना ले तेरी वीडियो चल जाएंगे, तो मैंने कहा मैं तो काम के लिए आई हूँ तो बना लेती हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मतलब आज भी याद है, ये लड़की पहन के आई थी ब्लू डेनिम जैकेट, वाइट ब्लैक सी टी शर्ट थी अंदर नेट वाली, और उसके टॉप थी मतलब, और उसके नीचे थी तेरी ब्लू जीन्स, वही जो पतली सी पेंसिल वाली जीन्स ऊपर चढ़ा कर आए हुए, और नीचे इसके वही रोज वाले ब्लैक शूज। तो सब याद है तेरे को, काले जूते तो खासकर याद है, रोज वही जूते पहन नहीं बच्चे भी देखते हम लोग। तो हाँ फिर ठीक है। So, मतलब वो आई थी और जैसे कि आप देख लो सब याद है यार इसको, मेरे को तो एक्साइटमेंट हो गई सुन के। Control. यार ऐसे कैसे याद हो सकता है सब कुछ? इतना सब कुछ पूरा डिटेल में। तो भाई मेरा पहला प्यार है, मेरा पहला प्यार है। तो पहले प्यार की तो बात ही अलग होती है। मतलब खुशकिस्मत हूँ कि मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पहली बार प्यार हो, मतलब फीलिंग्स वगैरह, गर्लफ्रेंड, मतलब ऐसे तो टाइम पास बहुत रहे हैं, पर प्यार जिसे कहते हैं प्यार मेरा पहला, और मैं खुशकिस्मत हूँ मुझे मेरा पहला प्यार भी मिल गया। मुझे कभी प्यार के लिए तरसना नहीं पड़ा। सो थैंक गॉड, शायद मैंने कुछ अच्छे काम करे होंगे इस वजह से मुझे मिली है। तो बट हाँ, जो मैं इसके ब्लैक शूज़ की बात कर रहा था, भैया इस बंदी में स्ट्रगल है, भूल मत वो दिन थे कि मेरी मैडम रोज एक ही जूते पहनती थी, बहुत मेहनत करी है। मतलब आप ऐसा नहीं था कि मैं कर रही थी भाई, मतलब मेरे को ना थोड़ा सा उस टाइम पे ये था कि मुझे रोज नए नए कपड़े बदलने हैं। शूज मैं एक इसलिए पहनती थी क्योंकि शूज मेरे को शुरू से कभी कंफर्टेबल रहे नहीं, मेरे को शू बाइट बहुत ज्यादा होती थी, और वो एक इकलौते शूज ऐसे थे जिसमें मेरे पैर नहीं फटते थे। बट एनीवेज कुछ भी कह लो, जो अब ये है उसमें जमीन और आसमान तो ये तो यार होता है। मतलब आपने देखा होगा लड़के बहुत पता ऐसे वीडियोस डालते हैं कि अपना मोटिवेशन टाइप की, मैंने मेहनत करी, हार्ड वर्क करा, मैं ये था, मैं ऐसे हो गए, स्टेज पे आए हैं। तो इस लड़कियों के बारे में ज्यादा बात नहीं होती इस बारे में, तो मैं तो इस मैडम की बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये टॉपिक उठाया है शूज वाला, कि भाई मैडम उस वक्त पे क्या थी और आज है, ये सब इसी की खुद की मेहनत है। इस लड़की ने बहुत मेहनत करी है, नहीं करी मेरी वजह से कुछ नहीं होता। गाइस कहने वाली बात है, जिन लोगों के खुद के बस की नहीं होता वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि इसके थोड़े फॉलोअर थे, इसके साथ साथ रह के ये भी फेमस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी के नसीब का नहीं खा सकता, इसने अपनी मेहनत खुद करी है, इसकी खुद की जर्नी थी,
या मेहनत करके वीडियोस बना बना के, मतलब धूप में निकलने के वीडियोस बनाया करते थे, आज भी आता है मुझे। फिर टिकटॉक बैन हो गया, फिर रील स्टार्ट करी, यूट्यूब लास्ट ईयर स्टार्ट करा। तो भाई जो भी है, इस लड़की खुद की मेहनत है, आज अपने दम से, अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से। रजत नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं होती, रजत का सपोर्ट नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। इस हिसाब से तो फिर आप नहीं होते तो फिर मैं नहीं हो पाता। मुझे तो जनरली आज के टाइम नहीं, बट मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर। ठीक है, मेरा स्ट्रगल था, बट अगर रजत का सपोर्ट नहीं होता आज आप लोग मुझे नहीं जानते। ऐसा कुछ नहीं है, देखो सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है। अब जैसे कि पहले तो मेरा थोड़ा फ्लिंग बॉय, मतलब जब अलग अलग लड़कियों के साथ वीडियो बनाया करता था, वो उस नजरिए से देखते थे लोग मुझे। आज मुझे एक ऐसा केयरिंग पार्टनर, मतलब जो अपनी वाली से बहुत ज्यादा प्यार करता उस वे में देखते, जो कि मैं करता भी। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वीडियो के पर्पसली, मतलब मैं बोल रहा हूँ या वीडियो में दिखाता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और स्पेशली एक बात बोलूँ, रजत दिन में 100 बार ऐसी चीजें करता है जो अगर मैं वीडियो बना लूँ ना, तो मतलब लोग पसंद इतना ज्यादा करेंगे कि सबको वो चीज पसंद आएगी। बट मैं कभी भी अगर कैमरा ओपन करूँ और रजत कुछ बोल रहा हूँ तो वो अपना बोलना बंद कर देता है। तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मैं कैमरा में अगर कैप्चर कर पाऊँ कुछ, नहीं तो ये तो सिर्फ 10% है जो आप देख पाते हो, जो 90% है वो सिर्फ मैं देख रही हूँ, मेरी फैमिली देख रही है, रजत की फैमिली देख रही है। तो वापस रोड पे आ जाए, गजब बेइज्जती है, बस व्लॉग बन रहा है। तो भाई मैडम की खुद की मेहनत है और आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये वहाँ से, मतलब मैं जानता हूँ या फिर जो लोगों को इस चीज़ की नॉलेज वो समझ सकते हैं कि मतलब लाइफ कितनी चीज, मेरी भी बहुत चेंज हुई है, नो डाउट। मैंने भी बहुत मेहनत करी है, वो मेरी अपनी मेहनत है, इसकी मेहनत, हमने साथ में बहुत मेहनत करी है। सो थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में, आपकी वजह से मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मैं आपकी वजह से, ठीक है, मैं एंड ऑफ डिस्कशन कर देती हूँ। वी बोथ आर लकी फॉर ईच अदर, राइट? यार तो है मेरे लिए लकी, मैं तेरे लिए हूँ कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट तू मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है मेरे बच्चे। सो हम मतलब मिले, हमने वीडियो बनाई। मैडम जी पहले दिन ही क्या हुआ, अपने दो जिनके साथ आई ना, क्योंकि इसे मेरा ग्रुप बहुत पसंद आया था, मतलब ब्रोजर था, मैं था, केजिया थी और एक फ्रेंड मेरी थी। इतना फन था ना उस ग्रुप में कि मैं फर्स्ट जैसे जमीन पे लेट लेट के हंसी थी। तो मतलब इसे वो बहुत चीज पसंद आई। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, मुझे ये था कि थोड़ा फ्लर्ट मारूं, मैंने कहा मैं तो ड्रॉप कर दूं, क्योंकि केजीएस के घर के पास रहती थी पुराने वाले। तो उसने को लगा कि यार मैं तो गाड़ी में घर के नीचे जा रही हूँ, ऊपर से एक लड़की साथ में ऑलरेडी, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं। उनको कहती तुम लोग जाओ मेट्रो से, मेरे को तो रजत ड्रॉप कर रहा है, बहुत तेज हो रहा है। फिर हम गए साथ में मैडम जी। हाँ यार, मुझे बढ़िया सा एकदम गाड़ी में जाने को मिल रहा है, कि मेट्रो में धक्के खाऊं। तो भाई मैडम ने पूरे रास्ते 60-70 स्नैपशॉट ये बना दिए घंटे के अंदर। मैं परेशान हो गया, हर जब भी गाना मतलब कुछ बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे, मतलब बाली उड़ाने ये करने, भाई कर करके मैं पागल हो गया लिटरली। जब भी उतरने लगी मैंने बोला ए माँ तू पागल वागल है क्या, मतलब गाड़ी में आए हैं तो भाई मतलब साथ में कन्वर्सेशन होनी चाहिए, मतलब बातें करते हुए चल रही ये सब चीजें। इस मैडम को कुछ आइडिया नहीं, मैं जिनके साथ पहले रहती थी ना वहाँ पे गाड़ी में कोई बात ही नहीं करता था, सब अपने अपने में लग रहे, तो मैं भी अपना आराम से कोने में फोन चलाती रहती थी। मैं वाह नहीं ऐसा नहीं था, बट ठीक है, मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई गाड़ी चलाते हुए इतने अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकता, नॉर्मली बात होती है। तो ठीक है, मैं अपने स्नैप स्नूप पे लगी हुई थी तो मेरे को बस उसी में एंजॉय में कर रही थी। तो फिर बाद में रहते मुझे बोला कि ये क्या भैया तू तो बहुत पागल है, इतनी स्नैप्स बना लेती है, स्नैपचैट की तो तुझे वो बन जाना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे करके बोला। एक कैंपेन पहले दिन मेरे साथ स्नैप बना रही थी, आज मेरे साथ प्री वेडिंग बना के आई है। अब गाना लगा दे, तुझ पे हक मेरा, ऐसे ज्यादा कर दिया। ठीक है, सो गाइस उसके बाद हमारी रात को मेरी बात हुई कि दोबारा, मतलब जन दोनों की बात हुई कि दोबारा, दोनों की उस टाइम पे रास्ते में इतनी बात हो चुकी थी कि हम दोबारा कल वीडियोस बनाएंगे और फिर हम दोबारा मिले। लेकिन उससे पहले मैडम ने मुझे फोन करा यार फॉर्मेलिटी के लिए ना, उन लोगों से पूछ ले कि तुम भी आओगे जिनके साथ में गई, ठीक है? तो वो भी आ गए, फिर इनने मिले। फिर उसमें से एक लड़का ना इसको बहुत छेड़ने लग गया था, तो इसको पसंद नहीं था कि वो इसे फालतू में फ्लर्ट करे या कुछ करे, तो इसने उससे लड़ाई हो गई थी इस चीज से। तो फिर वो आउट हो गए या हमारे ग्रुप पे परमानेंट इन हो गई। तो फिर उसके बाद हम रेगुलरली, और मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था वो, जब मैं एकदम से इन लोगों से मिली थी और मुझे इतना मजा आता था, मतलब कोई लाइफ में दुख भी हो ना तो जब रजत रोजर वगैरह के साथ में हो ना तो मैं सब भूल जाऊँ, कोई दुख नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ खुश हूँ। तो मतलब ऐसा फ्रेंड्स ग्रुप वाला कहीं नहीं मिल सकता जो मैं पहले दिन ऐसे फिसल गई। तो भाई रजत का तो मतलब ही सिल्वर होता है, अब तेरी किस्मत में चांदी आ गई तो फिर खुश तो होगी तू, सॉलिटेयर। तो उसके बाद क्या हुआ, और एक और चीज बताता हूँ गाइस, पता नहीं आई ना, तो इसकी एक बेस्ट पार्ट क्या था जिसकी वजह से मतलब मैं खुद इसे बुलाने लग गया। इसके लिए तोतली थी, मैं ऐसे 3-3.5 साल तक तोतली, आज भी कभी कभी तोतली, मतलब प्यार से मैं तोतली बुलाता था, सबको पता है। तो मैं भाई तुतला के बोलती तूतल जी, फंस जाती थी भाई, इतनी फंसती थी जी, हम रोज रोज में हंस के मर जाते थे। मतलब यार कितनी प्यारी है, मतलब बोली सी लड़की, सीधी सादी सी, नई नई घर से बाहर निकलना शुरू हुई थी,
तो मेरे को लगा लड़की अच्छी है, तो उससे बात होने लगी, हम रेगुलर मिलने लगे, वीडियोस बना रहे थे। एक दिन सीपीयू की बात है, उस टाइप पे मेरी एक काइंड ऑफ फ्लिंग व्लिंग टाइप से भी चल रहा था, तब ये पहली बार उससे मिली, मैंने उसे मिलाया, इसको लगा था मैं सिंगल हूँ, बट इसको देखा तो इसको शायद बुरा लगा हो, तो नहीं बुरा नहीं लगा था, मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब नॉर्मली एक नॉर्मल लाइफ से मैं देख रही थी कि यार मैं तो वीडियोस बनाती हूँ इसके साथ में और इसकी गर्लफ्रेंड, तो मुझे थोड़ा अलग रहना चाहिए आज इनसे, ऐसा लग जा रही है। बैरिंग से बोला भाई साहब तुझे क्या हो गया, नहीं तेरी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ रहे, मैं तू पागल है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो, मैंने सामने पूछवाया उसे, मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड है, कह रही नहीं अभी हम कमिटमेंट में नहीं आए, तो कह रही है ऐसा भी होता है, मैं कहा बेटा बहुत ज्यादा सीधी है, तो बहुत ज्यादा सीधी है, मुझे ना फ्लिंग का भी प्रॉपरली ऐसी कोई मीनिंग नहीं, गाइस बिल्कुल ही गऊ सी थी, इसको कुछ नहीं पता था ये सब चीजें भी होती है, कि इसको बस ये पता था कि कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है उसी के साथ ही रहना होता है, चाहे वो कैसे भी रखे, मारे पीटे जैसे मर्जी रखे, अब तो इसी के साथ जीने, साथ ही मरना, ऐसा होता है, मतलब ऐसी मतलब कतई धार्मिक लड़कियां नहीं होती उस तरीके की सोच वाली, टिपिकल गाँव वाली सोचती, गाँव तो नहीं कह सकते, मतलब अच्छी सोचती हूँ, मतलब कि अच्छी कहले क्या कहले मुझे नहीं पता, डम तो सोच उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा, तो उस टाइम पे ना मैं थोड़ी अलग हूँ, फिर रजत ने बोला नहीं नहीं तो साथ में ही रहे, और उस टाइम पे एक बहुत फनी सा सीन हुआ था, मैंने बताया क्योंकि हम तीन चार दिन से वीडियोस बना रहे थे, तो हम काम तो करते थे साथ में, एकदम से क्या हुआ, मैं यहाँ जैसे मान लो मैं यहाँ पर बैठी हुई रजत था, और उसके साथ में एक वो जो उसकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड उस टाइम बनी हुई थी वो बैठी हुई थी, हाँ तो वो बैठी हुई थी, एकदम से ना एक बच्चा आता है पैसे मांगने के लिए, तो बोलता है भैया पैसे दे दो, तो इसने रजत ने मजाक में कि पैसे तब तेरे को मैं तभी दूंगा जब तू बताएगा इन दोनों में से मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तो पहले उसने बोला कि ना ये आपकी गर्लफ्रेंड है, राइट में बैठी थी, मैं तो अच्छा साइड में मेरी गाल पे किस करी, उसने प्यार से मतलब नॉर्मली कर दी, फिर अच्छा ये आपकी गर्लफ्रेंड, मैं स्वाति तू मेरी गाल पे किस कर, जनरली वीडियो में भी गाल पे किस कर देते थे ना, तो उस वे भी इसने नॉर्मल गर्लफ्रेंड इसने भी कर दी, कह ये गर्लफ्रेंड, मैं एक बता, कह रहा भैया पैसे छोड़ो तुम ये बताओ ऐसे कर कैसे लेते, दो दो एक वक्त पे एक साथ, मेरे का साले दोस्त है मेरी दोनों, दोनों में से कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसे बात है, तो भैया हंसता हंसता चले गए वहाँ पे, ठीक है, एक तो वो मूड बड़ा फनी था मतलब, ठीक है, और उसके बाद हम रेगुलरली मिले, जो मेरे फिर उस दिन जब रहते मुझे बताया कि नहीं है वो मेरी फ्लिंग है ऐसा कुछ नहीं है, तो तब हमारे को 5-6 दिन हो गए थे मिले हुए, अब ये बात सच बताऊंगी एक मैं आपको, हम लोग मेट्रो में थे वापस जा रहे थे, तो रजत ने ना मुझे ऐसे बोला, मैंने बोला कि यार ये तो तेरी सही में गर्लफ्रेंड थी, बोला नहीं यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो मैंने बोला अच्छा, तो कह रहा तू मुझे लाइक करने लग गई कि, इसने मुझसे पहले भी ये चीज पूछी थी, तो मैंने बोला हाँ करती हूँ तभी तो मैं रोज आ रही हूँ, नहीं तो मैं क्यों आऊंगी तेरे पास रोज, तो मुझे ना इसने अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर मैं बता देती हूँ क्योंकि बंदा फ्लर्ट मारते हुए बोल देता है सर की थे, मैं बताऊँ तू क्या बोला था कि अगर तू मेरे लाइफ में आ जाए, तेरी जैसी लड़की आ जाए, तो मैं इसको एक सेकंड में लात मार दूंगा, ऐसा कुछ बोला था। ये क्या इसकी जैसी सौ छोड़ दो, क्या बोला तूने, उसने मुझे बोला था, और मैं तो फिर डर गई इसकी बात सुनी हो करके, रजत ने तब मुझसे बात कर दिया, मैं तो वैसे ही थोड़ा सा सच बताऊं तो मैं थोड़ी पिघल रही थी, तो देख के तो थोड़ा और हो गई मैं, बड़ा स्मार्ट सा दिखने लगा, बिल्कुल सुंदर सा, स्मार्ट अभी भी दिखता है, बस बात ये थी कि उस टाइम पे मुझे रजत का नेचर बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे होता है ना जब जब लड़की सच बताऊंगी, जब लड़की के पास लड़का खुद से चेप हो रहा हो ना, लड़की को कभी पसंद नहीं आता, बट जब लड़का दोस्ती फ्रेंड जोन में ज्यादा रह रहा होता है और केयरिंग और बहुत अच्छा होता है ना, तो वो लड़की अपने आप बहने लग जाती है उसके प्यार में, तो मैं बह गई थी, और फिर उसके बाद हम लोग रेगुलरली मिले थे, रेगुलेटर लगा दे, और फिर हमारे बीच में ऐसे बात हुई, रजत ने ना मुझे बोलता मैं कभी भी ऐसे कमिटमेंट नहीं देता किसी को भी इतनी जल्दी, जो कि लाइफ में रजत की शायद फर्स्ट ऐसी ऐसा टाइम था कि रजत ने किसी के साथ में ऐसे कमिटमेंट में आ गया, अदरवाइज इसका सिर्फ रजत देखो यार, पहली बार साफ सीधी बात, मेरे को पहली सीधी सीधी लड़की मिली थी दुनिया में, खुद इंसान कितना बड़ा कुत्ता जब उसे दिखता है ना, एकदम सीधी सादी गऊ सी लड़की मिल जाए, अब देखो कुछ बंदे इस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट मेरी तो मेंटेलिटी थी उस टाइम वैसे सीधी, मुझे एकदम सीधी सादी लड़की मिलेगी जिसका कुछ लेना नहीं देना, जिसको दुनियादारी कुछ नहीं देखी, बाहर निकली नहीं नहीं है, मैं ही दिखाऊंगा जो भी दिखाऊंगा, कोई लड़के लड़के को कोई सीन नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं कहा भाई ऐसे अच्छी लड़की मिल नहीं सकती, और मेरे को थोड़ी ना क्यूट लगने लगी थी, अटैचमेंट हो गई थी मुझे, क्योंकि तुतला तुतला के बोलती मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, तो मैंने उसे इनिशियल डेज पे हमारी बात हुई, मैंने कहा देखो अभी हम एज अ फ्रेंड रहते हैं, मैं कमिटमेंट अभी नहीं करते, बट पहले एक दूसरे की ना वो कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं हम, कि मतलब रह भी सकते हैं कि नहीं साथ में, वो कहे ठीक है, तो हम थोड़े टाइम साथ में रहे, मैंने इसको 6 महीने बाद बोला, मतलब इसके तरफ से उससे पहले वाली मैं एक बात बोलूंगी, पहले मैं उससे पहले वाली बात बताऊंगी कि रजत और मेरे को उस टाइम पे 6-7 दिन जब हुए थे मिले हुए, तब रजत ने मुझे बोल दिया था कि कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे अभी, मतलब धीरे धीरे देखते हैं अगर ट्विनिंग मैच हो जाएगी, सेम चीज उसने मुझे बोली थी,
तो 13 फरवरी का टाइम था। हाँ, मतलब तो, हमारा सीन ये हुआ था कि हमें रिलेशनशिप में आना था। हाँ, हम दोनों मतलब श्योर हो गए तो मेरे दिमाग में देखो क्या आया, अब कहते हैं ना बढ़िया का दिमाग और बनी मियां भाई की डेरी, तो मेरे दिमाग में यार 13 फरवरी को उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगा और इसको तो छोड़ना भी नहीं क्योंकि एक डेढ़ महीने में छोड़ दूं। मैं कहा यार फिर 13 फरवरी को एनिवर्सरी बनाऊंगा, 14 फरवरी को साला वैलेंटाइन डे बनाऊंगा। मैं कहा यार इतना मीर तो नहीं हूँ मैं, हमारा मतलब रिलेशनशिप में आने का सीन था, हम मतलब प्यार मतलब ठीक है, दोनों तरफ से कमिटमेंट अटैचमेंट हो गया, ठीक है अटैचमेंट हो चुके थे, अट्रैक्ट हो गए थे, प्यार व्यार होने में टाइम लगता, देखो हवा वाला नहीं थी कि देखते ही प्यार हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दोनों को अटैचमेंट हो चुकी थी, हमें कमिटमेंट में आना था। अब मेरा दिमाग चला, मैं कहा यार 13 तारीख को फरवरी है, इसे तो छोड़ना भी नहीं कि मतलब एक दो महीने में छोड़ दूँ रहना है, तो फिर मैंने कहा 13 फरवरी को अगले से फिर एनिवर्सरी भी बनानी पड़ेगी और 14 फरवरी को फिर इसका वैलेंटाइन डे भी बनाना पड़ेगा। बहुत तेज हो रहा है। देख स्वाति जहाँ इतने दिन रुक गया एक दिन और रुक जा, मैं फिर रिलेशनशिप में आएंगे क्या क्यों। मैं कहा यार दोनों चीजें एक साथ ही बना लूंगा ना, एनिवर्सरी और वैलेंटाइन डे हंसने लग गए। मैं कहा जो बात है एक दिन के लिए वेट कर ले। तो ये रीजन हमारा 14 फरवरी को एनिवर्सरी, हमारी एनिवर्सरी 14 फरवरी को इसलिए आती है, तो हमारा कमिटमेंट। फिर उसके बाद से तो मतलब अपनी लाइफ की बुलेट ट्रेन ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही, कोई प्लेटफॉर्म नहीं आ रहा लड़ाई झगड़े का, कोई स्टेशन नहीं आ रहा, दौड़ी जा रही है बस नजर लग जाएगी। तो मतलब ठीक है, नोक जो भी हमारी होती है तो नॉर्मल अपनी बेसलेस बातों पे आर्गुमेंट होती है, तो उस लड़ने का टॉपिक। और एक और चीज बता, मुझे और रजत जिस बात पे मतलब शॉक हो गया था, टच वुड होता है, ये वुड है, सर पे भी ऐसे हाथ लगा देते हैं, दिमाग तो है नहीं, लकड़ भरी हुई है, लकड़ है। तो एक और चीज बताऊंगी जिसपे अभी हंसेगा, जब हमारे को एक हफ्ता हुआ था ना, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला है क्या चल रहा है, मतलब पिछले 15-20 दिन से तो किसी साथ वीडियोस बना रही है और लगातार उससे मिल रही है, तेरा कोई चक्कर तो नहीं। मैं यार मैं झूठ बोल पाती थी पर इतने अच्छे से नहीं बोल पाती, तो मम्मी ने मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया, तो मैं बस फिर वही है जो माँ का सारा वो होता है कि अपना षड्यंत्रधारी अपना ऐसे सर पे हाथ रखवा दिया और पूछती क्या तेरा चक्कर है इसके साथ। मैं झूठ नहीं बोल सकती थी, मैंने बोल दिया हाँ है। मेरी मम्मी इतनी चलाक, मेरी मम्मी ने पता क्या करा, काम कर तू ना इस लड़के को वीडियो बनाने के बहाने घर बुला ले, मैं देख लूंगी कैसा लड़का है, अगर सही लगा मुझे तो मैं तुझे नहीं मना करूंगी, तू बस बता के रही हो हमारे साथ में जैसे भी रहेगी। तो मैंने तो मतलब ये सारा प्लान तेरी मम्मी का बनाया हुआ था, ये मुझे आज पता चल रहा है ब्लॉग के अंदर, मतलब थैंक यू सो मच मैडम जी, मुझे इसने जनरली बोला कि आज मेरे घर पे आ जाओ वीडियो बनाते, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी को मैंने कुछ नहीं बता रहा रिश्ते में, हम बस ये बोला कि हम दोस्त और दोस्त बनके हम वीडियो बना रहे हैं, इस लड़की ने मेरा पागल बनाया, मैं इसके घर चले गया, देखा पापा पापा कोई नहीं, सी मम्मी होगी थोड़ी देर के लिए, मम्मी अपना अलग चले गई, मम्मी का पार्लर था, मम्मी पार्लर में चले जाएगी, हम अपना आराम से घर में वीडियो बना लेंगे। मैं घर में गया, इसकी मम्मी मिली थोड़ी देर, फिर चली गई, चली नहीं गई घर में थी, 5 मिनट में इसके पापा आ गए पीछे से, और मम्मी मिली तो मम्मी को ना एक चीज जो रजत में बहुत अच्छी लगी, एक तो इसकी मैच्योरिटी, और मतलब ऐसे नहीं होते जैसे उस टाइम पे, अब रजत ऑलरेडी मुझसे 4 साल बड़ा था, तो वो थोड़ा बहुत मम्मी ये भी सोची थी कि बच्चों बच्चों वाला सीन ना उनका, कि मतलब कोई बच्चे बच्चे ऐसी लगे पड़े हैं और मेच्योरिटी लेवल है नहीं इनमें, तो मम्मी को सही लगा, मम्मी ने इतना भी नहीं बोला कि मम्मी को पता था अगर ज्यादा बोल देंगी तो फिर मैं ज्यादा हवा में ना उड़ जाऊं, तो मम्मी ने बोला ठीक है, बस यह है कि लिमिट में रहना अपना, मतलब वीडियोस वगैरह बनाओ, काम करो, बाकी अगर साथ रह रही है उसके साथ तो शादी भी करनी पड़ेगी, ये देख रहे वही वाली सोच जो मैंने बोली कि थी। अगर ठीक है यार, वो हर एक इंडियन फैमिली की सोच होती है, ये नहीं है कि तुम आज साथ हो 2 महीने बाद अलग हो जाओ और फिर उसके बाद मैं दुनियादारी में अपना मतलब मुंह दिखाती भी रहूं कि हाँ भाई ये तो वीडियोस बनाने के लिए साथ में, तो ये सब चीजें हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती है। पहली बात, अगर मैं वीडियोस बना भी रही थी उस टाइम पे, उसमें भी सिर्फ मेरी मम्मी का सपोर्ट था, अगर मम्मी का सपोर्ट नहीं होता मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती, तो मम्मी ने मुझे बोला कि मतलब साथ रहना जिंदगी भर तो ही ऐसे रहना, और मेरे मम्मी मतलब विदिन अ सेकंड पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे बोल दिया हाँ मम्मी साथ में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारा, कोई ऐसे भेड़ चाल वाला वो नहीं है, तो मम्मी ने तो बस इतनी बात दी थी, उसके बाद मम्मी भी सॉर्टेड हो गई थी और विद इन 15 डेज हमने डेट करना स्टार्ट कर दिया था, मेरी लाइफ की ऐसी पहली चीज की, मतलब मैंने 15 दिन किसी को डेट करना स्टार्ट कर दिया, और सच्ची बता, और सबसे बड़ी चीज पता क्या, मतलब मेरे को उन 15 दिनों में, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 15 दिनों में भी और 15 दिनों के बाद भी बहुत लोगों के फोन आए, बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि यार ये अच्छा लड़का नहीं है, ये लड़कियां यूज करके छोड़ देता है और इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा तेरे होने ना होने से, मेरे को तब हो गया ना सब झूठ, मतलब सब हो गया ना सब गलत प्रूफ, ये ऐसे बोलते थे कि ये बात सच है तू मानेगी या नहीं मानेगी बट तू फंस जाएगी, वो पर तब भी पता नहीं कि मेरी गट फीलिंग थी क्या था, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार रजत जो भी है लोगों के आगे अलग है शायद और मेरे आगे अलग है, और मैं अंधा ट्रस्ट कर सकती हूँ, मतलब एक होता है ना एक बाजी खेल सकती हूँ, इसने जुआ खेल लिया और इसका लग गया
जैकपॉट। तो मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि नहीं यार मैं अपनी बात पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं रजत पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं रहूंगी उसके साथ, तो वो ऐसा नहीं है। और तब भी मतलब इतना सुनने के बाद भी मैंने आई स्वेयर मैंने एक भी बात रजत को जाके नहीं बताई कि मुझे यहाँ से ये सुनने को मिला, यहाँ से ये सुनने को मिला। बताइए थोड़ी बहुत, मतलब बाद में बताई थी याद आपको। उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोला मैंने, उस टाइम सब कुछ नॉर्मल रिलेशनशिप हमारे जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था, बिल्कुल एकदम सॉर्टेड। फिर उसके बाद 6 महीने हो गए हमारे रिलेशनशिप को, फिर रजत ने मुझसे पूछा था हाय मेरे तो हाथ कांप रहे बताते हुए। मैम जी को मैंने एक ही चीज बोली, देखो यार मेरे लिए तो पहला प्यार था, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे पहला प्यार ही मुझे मिल गया, मुझे कभी प्यार के लिए तरसना नहीं पड़ा। तो मैंने एक ही चीज बोली, देख स्वाति तू मेरी लाइफ में इनकमिंग आई तो अपनी मर्जी से, आउटगोइंग नहीं होगी तेरी, अब आउटगोइंग का चैप्टर अब मेरी जिंदगी में से तुझे मिल नहीं सकता। अगर तुझे आगे रहना है तो ये सोच के रही हो, अगर एक भी दिन रहना है तो कल को तुझे मेरे से शादी करनी पड़ेगी। तो मैं तो अभी से इसी सोच में हूँ, मैं कौन सा तो छोड़ने वाले, मैं तो इस बात पे रही हूँ अभी, तो सोच रही हूँ कि बचपन में मजाक में बोल रही हूँ, कल को तो थोड़ी बड़ी हो जाए दिमाग में, मैं तेरे बजा दूंगा। यहाँ आउटगोइंग की फैसिलिटी नहीं है, रहना तो पूरी जिंदगी साथ रहना, ये ब्रेकअप कुछ नहीं होना, वो फ्लिंग बुलिंग में होते ब्रेकअप, ये रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप नहीं होते। तो कह रहे ठीक है, फिर तब से हमारा एकदम स्मूथली चलता आ रहा है, बहुत प्यार से चलता आ रहा है। फिर उसके थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, एक्चुअली हम वीडियोस बनाते थे बहुत सारे साथ में, तो इसके रिश्तेदार, लड़की की फैमिली में होता है कि रिश्तेदार बोलते हैं कि वो लड़का कौन है, तुम जानते हो, तुम तो मतलब पब्लिकली रिलेशनशिप चल रहा है इनका, तो मतलब आग लगाने वाले, छेड़ने वाले। इस चक्कर में इसकी फैमिली के एकदम से आया कि तुम रोका करो। मैंने कहा यार सीधा शादी कर लेंगे, रोका क्या होता है, मतलब ये कोई फॉर्मेलिटी है, यानी रोका करना पड़ेगा। तो फिर हमने इसकी फैमिली की खुशी के चक्कर में हमने समझा भी, इसने भी मुझे समझाया, तो मैंने समझाया यार उनकी फैमिली की सिचुएशन रहती है कि एटलीस्ट बोल पाएंगे कि हमने इनका रोका कर दिया, कल को इनको शादी करनी है। फिर उन्होंने बोला, फिर हमने 28 अगस्त को रोका कर लिया। 28th of August 2022 में मेरा रोका हो गया था। यस, और हमें शादी करनी थी, कोशिश थी लास्ट ईयर करने की, बट कुछ दिक्कत की वजह से, कुछ रीजंस थे और उसके से हम कर नहीं पाए। अब हमारी शादी हो रही है दोबारा से 17 नवंबर को। दोबारा से मतलब शादी, यार देखो कहते हैं वी आर मैरिड बट हम आई हैव अ वाइफ, वी आर जस्ट नॉट मैरिड येट, ऐसे करके टेक्स्ट आता है, तो वही हमारी लाइफ पे मतलब डेडिकेटेड। So, और इसमें एक और चीज बताऊंगी कि हमने अपनी फैमिलीज को कैसे मनाया था हमारी शादी के लिए। रजत को कोई ऐसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बस घर वाले खुश हो गए थे। मतलब मेरे तो यूपी वाले हो तो छूटते कहते हैं अरे शुक्र है 14 किसी एक लड़की पीछे तो भाई सीरियस हुआ, ये तो भूख खाता फिर रहा था इधर से उधर, भूख खाता फिर, वो तो परेशान थे मेरे से कि भाई आज ये कल वो कल, मतलब ऐसा हो रखा था। तो वो तो मतलब ऐसा हो गया था, भगवान शुक्र है इसको एक लड़की तो समझ में आए, बस उसी के साथ रहे, तमीज से रह ले। तो अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मेरे घर वाले मेरे से नहीं पूछते कुछ, इसको फोन करते हैं, अगर इसने जो चीज बोल दी वही होगी, मेरे ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं आज के डेट में मेरे घर में। पता नहीं मेरे घर वालों के ऊपर इसने क्या जादू करा है, वो इसके ऊपर बिल्कुल, क्योंकि क्या मैं घर में सबसे छोटा भी हूँ, मेरे भाई बहनों में उनसे भी मतलब मुझे बहुत प्यार मिला है, मेरे भाई से मेरी बहनों से, और ऊपर से मैं पापा का भी फेवरेट हूँ। मम्मी थोड़ी मेरी स्ट्रिक्ट टाइप की वैसे बनती थी, अब वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो चुकी है, पता नहीं एक लाइफ टाइम पे मम्मी होती है। तो इसको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, छोटे बच्चे की तरह ट्रीटमेंट मिलता है मेरे घर में, जैसा कि मुझे भी नहीं मिला। तो कभी कभी मुझे इसी से जेलस होता है कि भाई मैं घर में सबसे छोटा था, बच्चे की तरह रखते थे, आज के टाइम मैं बच्चा आ गया ना, अब ये सबसे छोटा है, तो इसको बहुत ज्यादा पैम्पर मिलता है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे घर वाले से प्यार करते हैं, उससे ज्यादा खुशी मुझे इस वजह से मिलती है कि ये अपने। और मैंने अभी रिसेंटली एक रील डाली थी कि एक तो मुझे शिवजी जैसा पति मिल गया, होने वाला पति मिल गया, और एक उसमें एक और टेक डाला था कि मुझे बिना बोले माँ बाप जैसे प्यार करने वाले सास ससुर मिल गए। वो वीडियो कोई कंटेंट नहीं था, बस ऐसे ही मुझे लगा वो इसने अपनी रियल लाइफ से इंस्पायर होके तो डाला। हाँ ये बात बिल्कुल, एक कहते हैं ना 100 में से 200% बिल्कुल सही है। हाँ ये तो है शिवजी जैसा पति, और मुझे बिल्कुल मम्मी पापा से ज्यादा प्यार करने वाले सास ससुर मिल गए, तो मुझे और क्या ही चाहिए। प्यार इससे ज्यादा करता हूँ, बट एज अ नेचर वाइज देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छी है, रजत ज्यादा अच्छा है, तू ज्यादा, ये बात मैं सच बोल सकती हूँ, रजत ज्यादा काम नेचर का है, रजत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, रजत ज्यादा मैच्योर है कि ये हर सिचुएशन को इतना इजीली हैंडल कर लेता है। मैं बहुत पैनिक करती हूँ, मैं बहुत जल्दी चिक चिक कर लेती हूँ, बट रजत जिस तरीके से मुझे डील आउट करता है मेरे को कोई नहीं कर सकता, मेरे मम्मी पापा जैसे तूने अजमा रखा है।
मेरे मम्मी पापा भी नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी पापा भी एक लेवल पे आके यार इरिटेट हो जाते हैं, बट रजत बहुत काम नेचर का है। रजत इतना मुझे इतना पैम्पर करता है, मुझे शांत रहना पड़ता है ना, कहाँ जाऊंगा मजाक में लेके जा रहा है बात को, जब मैं तारीफ करती हूँ ना ऐसी करता है। एक बात बताओ गाइस, मैं कहाँ जाऊंगा, रहना जिंदगी भर इससे ज्यादा छोड़ सकता नहीं, क्योंकि इसके बिना मेरा 5 मिनट तो मन नहीं लगता, इसके बिना मतलब वैसे कैसे रह लूंगा। तो मुझे रहने से ज्यादा भी गाय गाली पी दे मारे पीटे चुप, कभी मैं इतना लड़ती पता कहेगा बेबी आप लड़ लो आप बोल लो फिर मैं आपसे प्यार से बात करूंगा, मैं एक आपको हगी कर दूंगा आप लड़ लो, अब मैं बता मैं क्या लड़ू, उसको पड़ी गुड़ गई मैं बोलवा हो गया अब प्यार से बात करें। वैसे तो हमारी ज्यादा ऐसी लड़ाई होती नहीं, हमारे पर्सनल मैटर्स पे कभी लड़ाई नहीं होती, बट ठीक है हम काम भी साथ में करते हैं, काम के चक्कर में होते हैं, चिक चिक ये ज्यादा सही ये ज्यादा सही, हमारी इन चीजों पे बहस होती है और लड़ने का। और मेरी फैमिली को कैसे बनाया मैं बताती हूँ, मैंने बताया ना जिस ईयर में 2020 में हम लोगों ने डेट करना स्टार्ट किया था, तो 2020 में मम्मी को तो पहले ही पता चल गया था, बट टाइम बाय टाइम मेरे पापा को सोशल मीडिया हैंडल्स पर नहीं थे, बट पापा को जैसे कोई रिश्तेदार बोल देता था या फिर वैसे, तो मेरे पापा बहुत ओपन माइंडेड थे, पापा ने बोला ठीक है वो काम करती है कोई बात नहीं, तब भी वो भी इसलिए क्योंकि मम्मी ने पापा को सिखा रखा था, मम्मी ने सिखाती तो पापा तो ऐसे थे कि मुझे नहीं पता क्या करती है, तो पापा को नवंबर तक मम्मी ने बता दिया था, और इस मामले में मेरे पापा ओपन माइंडेड थे कि तुम्हें जिस मर्जी से शादी करनी है करो, बस तुम खुश रहो, और ये ना हो कि तुम आज जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हो और फिर बाद में रिग्रेट करके वापस, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कल को तुम खुद डील आउट करोगे, ये नहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके तुम घर पे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर साथ इसे कहने का मतलब था हमने अभी से तेरे नाम का कन्यादान कर दिया है, अब तू अपनी जिंदगी अपने रिस्क पे अपने आप से झेल, ये बोलना चाहते हो ना, ये थोड़ा रूड हो गया। मम्मी ने भी सेम बात बोली, इसके पापा ने भी सेम बात बोली, मैंने भी सेम बात बोली, लेकिन तीनों उच्च में इसने तीन पैराग्राफ बोल दिए। So guys, हमारी फैमिली मान गई, हमारा ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करना है, हमारी फैमिली ऐसा मान गई, हमारी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि मेरी फैमिली तो बहुत ज्यादा खुश है, इतनी अच्छी बहू मिलने वाली है, मेरी फैमिली तो हद से ज्यादा खुश है, उनको ऐसा जवाई जमाई देख लो मैं फंस गए पत्थर, दमाद मिल रहा है, दमाद किसी पहली बात मैं दमाद नहीं हूँ, बनूंगा तो बेटा बनूंगा, दमाद बन के किसी का भला नहीं हुआ, अगर वो मुझे बेटा मानते तो मैं भी तो उनके लिए बेटा ही बनूंगा ना। सो एनीवेज बस यही था जो भी हमारा लव स्टोरी का व्लॉग था, यही छोटू सी लव स्टोरी थी हमारी, छोटू सी नहीं है बड़ा ही है, एकदम मोटे बहस हो गए, हमारी बड़ी सी लव स्टोरी थी, हमारे रिलेशनशिप को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब हमारी 17 नवंबर को शादी होने वाली है, सो 17 नवंबर के बाद हमारे रिलेशनशिप को हो जाएगा एंड, हमारा हो जाएगा ब्रेकअप, होगा मैरिड लाइफ की शुरुआत, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, 17 नवंबर को हमारा ब्रेकअप होने वाला गाइस, एक्स बॉयफ्रेंड भी आ गया पहले, ओहो यस आई विल बी हर एक्स, आई होप आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं भी अच्छी लगी हो और कुछ क्वेश्चन आपको पूछने हो जो हम आंसर देना भूल गए हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, नहीं तो अगर इसने अभी कोई टॉपिक शुरू करा तो ये 5 मिनट की लाइन बोलेगी। सो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड वी लव यू गाइस, बाय बाय।